हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हीरो नेटवर्क में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं कोलैब करने जा रहा हूँ बेंटन एक्स्ट्रा के साथ। तो दोस्तों आज हम दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जो कि है बेंटन के एलियन एक्स वर्सेस सुपरमैन प्राइम के बीच। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और बेंटन एक्स्ट्रा के चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से उसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं और उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस अमेजिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको एलियंस की ओरिजिन बता दूं। एलियन एक्स की हमें फर्स्ट बैच देखने को मिली थी बेंटन एलियन फोर्स में, और इसके बाद में ये एक ऐसा एलियन जो हमें सबसे कम देखने को मिला है। इसकी अपेरेंस और एलियन एक्स फोर्स ऑफ क्रिएशन से बिलोंग करता है, यानी कि उसका होम वर्ल्ड है फोर्स ऑफ क्रिएशन। और ये अब तक बेंटन में इंट्रोड्यूस कराने वाली सबसे ज़्यादा डेंजरस पीसेज है और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी, और इसके पास गॉड लेवल्स की पावर है। और इसकी स्पीसीज को कहा जाता है सेलेस्टियल सेपियन। तो एलियन एक्स टाइम एंड रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है अपने हिसाब से, और ये फ्लाइट में लाइट ईयर की स्पीड से फ्लाइट कर सकता है। और एलियन एक्स यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, और अपने सिक्स थ्रोट से एलियन एक्स यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और एलियन एक्स पर किसी भी वेपन का असर नहीं होता, इनफैक्ट इस पर तो एनआई लाख का भी कोई असर नहीं होता जिसने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसके एबिलिटीज़ हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्टेमिना, अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी, अल्टीमेट रिफ्लेक्सेस, और अगर मैं सब को बताने बैठा तो मैं एक वीडियो में बता भी नहीं पाऊँगा। और एलियन एक्स टाइम एंड स्पेस में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है सिर्फ अपने वन थॉट से, और कहीं भी टेलीस्पोर्ट हो सकता है जहाँ पर टेलीस्पोर्ट होना चाहे सिर्फ अपने वन थॉट से। और अब मैं आपको इसकी वीकनेसेस बता दूँ। इसकी वीकनेस है कि एलियन एक्स अपनी स्पीसीज के एलियन एक्स को नहीं मार सकता, और अनुस्पेल्डियस में एलियन एक्स को मारा जा सकता है। और ये इसकी वीकनेस, जैसे कि बैन जब भी एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि जब भी उसे एलियन एक्स की पावर यूज़ करनी होती है तो उसे पहले सरीना एंड बेलिकस की परमिशन की जरूरत है, वरना वो एलियन एक्स की पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और भी कुछ बातें जो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि एलियन एक्स अपने सेल्फ डुप्लीकेट बना सकता है, अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, एलियन एक्स डेड पर्सन को भी जिंदा कर सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी पावर्स हैं। और अगर एलियन एक्स अपने डुप्लीकेट बना ले तब तो आप जानते हैं कि क्या होगा, उसने गैली डीटर को भी हरा दिया था बड़ी आसानी से। तो दोस्तों अब बात करते हैं सुपरमैन प्राइम के ओरिजिन से। 21st सेंचुरी के एंड में जब सुपरमैन के सब चाहने वाले और रिलेटिव मर जाते हैं तो वो अर्थ को छोड़कर स्पेस में ट्रैवल करने लग जाता है। वो यूनिवर्स में 10 लाख साल तक ट्रैवल करता है और वापस लौटता है। इन 10 लाख साल में से वो 15,000 साल सन के कोर में रहकर बिताता है, जिससे उसे कई सारी लिमिटलेस पावर्स मिल जाती हैं। सुपरमैन प्राइम को 1 मिलियन भी कहा जाता है। सुपरमैन का सबसे शक्तिशाली अवतार है अब तक। तो अब बात करते हैं सुपरमैन प्राइम के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। यूनिवर्स में 10 लाख साल तक ट्रैवल करने की वजह से उसे लिमिटेड पावर्स मिल गई है, जिसकी वजह से उसकी वीकनेसेस सभी खत्म हो गई है। सुपरमैन के पास अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी एंड अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से उसने सोर्स वॉल को भी तोड़ा था। सोर्स वॉल डीसी की सबसे खतरनाक वॉल है, जो कि रियलिटी और फिक्शन को डिफ्रेंशिएट करती है और जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। सुपरमैन प्राइम इमॉर्टल है, यानी कि उसे मारा नहीं जा सकता। सुपरमैन चाहे तो वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, और वो अपनी पावर्स को शेयर करके अपने जैसे पूरी आर्मी क्रिएट कर सकता है। सुपरमैन प्राइम चाहे तो टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है, पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट कहीं भी जा सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, और यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। सुपरमैन प्राइम चाहे तो वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और साथ ही क्रिएट भी कर सकता है। सुपरमैन प्राइम के पास ग्रीन लैंटर्न की रिंग भी है, जिसकी हेल्प से वो फाइट भी कर सकता है। सुपरमैन प्राइम लाइट से भी तेज गति से ट्रैवल कर सकता है, और जो पावर सुपरमैन के पास है वही पावर 10 गुना ज़्यादा सुपरमैन प्राइम में है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि सुपरमैन प्राइम और एलियन एक्स की अगर फाइट होती है तो इस फाइट का विनर कौन होगा। तो दोस्तों अगर इन दोनों की कभी फाइट होती है तो इस फाइट का विनर कौन होगा, तो मैं आपको बता दूं इस फाइट का विनर होगा एलियन एक्स। तो दोस्तों काफ़ी सारे मार्वल फैंस और सुपरमैन प्राइम के फैंस मुझे गालियां दे रहे होंगे, लेकिन आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं और आपको रिजल्ट यही मिलेगा।
आई होप कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे फ्रेंड बेंटन एक्स्ट्रा के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपना प्यार बनाए रखें। आप चाहे तो हमें सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।